गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। अपना टॉपिक चल रहा था वास्तविकी संख्याएं, वास्तविकी संख्याएं। सेकंड चैप्टर था अपना और ये 3 मार्क्स का चैप्टर आता बेटा। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हमने पहले तो संख्याओं के बारे में पढ़ा था, कौन सी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्रमेय अप्रमेय सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या, इन सभी का अध्ययन किया था। उसके बाद में अपना एक छोटा सा टॉपिक आया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इससे अपने को एच शेप ज्ञात करना था, क्या था वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर है बी क्यू प्लस ए आर, और आर का मान है बी से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। उसके बाद में अपना एक सेकेंड टॉपिक आया था अंकगणित की मूलभूत प्रमेय या आधारभूत प्रमेय। उसमें पढ़ाता आपने प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और आने वाला गुणनखंड का वो क्रम होता है वो क्या होता है कि अद्वितीय बना होता है। ये कल अपने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी पढ़ी थी, आज इसी पर रिलेटेड अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत या मूलभूत प्रमेय पर, ठीक है। तो अपने देखो इसमें क्या है, सेकंड जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें दिया है ये पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न लिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों खंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अपना पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें दिया है कुछ, देखो 4-5 क्वेश्चन दिए, एक तो दिया है 468, दूसरा दिया है 945, तीसरा दिया बेटा इसने 140, चौथा दिया है 3825, इस प्रकार से और भी आगे दिए इसने, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जो आपका जैसे पहला मैं बता रहा हूँ हेल्प फर्स्ट है, एक जैसे सभी एक जैसे हैं, इसमें आपको गुणनखंड करने आने चाहिए या सॉरी इसके अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। तो सबसे पहले अपनी बात है 468, तो प्रत्येक कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सबसे छोटी संख्या का उसमें अगर भाग देते हैं, एक का भाग तो सभी के अंदर जाता है बेटा। उसके बाद में देखते हैं एक के बाद में कौन सी संख्या है, उसके बाद में उससे आने वाली संख्या मतलब प्लस वाली संख्याओं के इसमें भाग देकर देखते हैं। जैसे इसमें एक का तो जाता है लेकिन 2 का दिया कितना आया 234 और 234 कितने होते 468, फिर 2 का दिया 117, फिर इसमें कितने का जा रहा है 3 का जा रहा है बेटा, 3 का दिया कितना आया 3 × 9 और 2 × 27 और 9 × 27 39 बार, फिर 3 का दिया 13, फिर 3 2 13 का दिया जाएगा इसमें एक बार,
ठीक है। अब एक भी एक करेंगे वहां पे से एक आएगा इस प्रकार से। तो ये अपने पास क्या आगे 468 था, उसको लिखने का तरीका है क्या, दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तेरह, गुणा एक लगाओ तो लगाओ, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एक सभी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब यहां से इसको ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों को किसके रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या लिखेंगे 468 बराबर है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1। ये आपका क्या आ गया, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से ये भी आप कर सकते हो आगे वाले, जैसे एक मैं ये फोर्थ बता रहा हूँ, ये अपने पास है 38 25, ठीक है। अब डाइस में देखते हैं सबसे पहले किस संख्या का बाहर जाता है, एक का तो जाता ही है, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या इधर है, 5 है, ठीक है। 3 का जा सकता है इसमें, 3 का देखो, 3 का दिया 1 बार 2 बार, बच के 2 7 3 21, बच गया 1 5 3 15, 1275 को 3 से गुणा करो 38 25 आएंगे, ठीक है। उसके बाद में 7 और 5 12, फिर 3 का जाएगा 4 3 12 और 2 1 बच गया 5। अब इसमें 5 का ही जाएगा बेटा, 5 का दिया 8 और 5, फिर 5 का दिया 1 और 7, फिर 17 का दिया 1। ये इसके क्या आगे अभाज्य गुणनखंड आगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, अब ये अपने पास है 38 25, इसको लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, घात में लिख दो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 ही घात 1। ये क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किस प्रकार से किया जाता है, ये इसमें आपको मैंने बताया। तो इसके एक दो क्वेश्चन और भी हैं, 4-5 पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट में, वो आप करके करना और उसको उसी रूप में आपको करने हैं बेटा, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, एक आपको पहले भी बताया था कि LCM गुणा HCF बराबर है पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, लघुतम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर, यहां पर लिख दो पूर्णांक में गुणनफल, या लिखोगे प्रथम पूर्णांक गुणा द्वितीय पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक गुणा द्वितीय पूर्णांक। अब ये इसमें अपने को क्या दे दिया, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें दे दिया निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों का
निम्नलिखित युग्मों का महत्तम को एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए, तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी बताया था, वही यहां पर करना है काम। अब इसके अंदर अपने को सेकेंड क्वेश्चन दिया है, उसमें जैसे पहला पार्ट दिया आपका 96 और 404। अब इसमें आपको ज्ञात करना है HCF। अब आपने HCF ज्ञात करने के लिए तो दो विधियां बताई थी मैंने आपको, ठीक है। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हो, एक भाग विधि उसके अंदर बताई, वो एक जैसी है दोनों। अब यहां पर इसके देखो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, यहां पर लिखोगे 96 और 404 का HCF, ठीक है। HCF अब आप इस प्रकार से अपने छोटी क्लास में ज्ञात भी किया होगा शायद, जैसे 96 है इसका अलग अपने को एक अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। दो का दिया, दो ठीक है, तो ये तो आ गए 96 के। सेकंड अपने पास है 404, दो का दिया 202, दो का दिया 101 के अंदर बेटा 101 का ही जाएगा। तो क्या आ गए 96 को इसने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 या फिर 2 की घातें कितनी 1 2 3 4 5 गुणा 3 की घातें 1 और 404 को इसने क्या लिखा 2 × 2 × 101 तो ये 404 आ गया आपका 2 की घातें 2 × 101 ठीक है, की घात 1। अब आपको ज्ञात क्या करना है इसमें HCF, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक है और किन का 96 और 404 का। तो इसमें महत्तम समापवर्तक में अपने देखते हैं दोनों में उभयनिष्ठ घात कितनी है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जैसे इसमें 2 की घात 5 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 तो इसमें भी तो है, तो अधिकतम इसमें 2 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें न्यूनतम कितनी है 2 की घात 2 इसमें भी तो है वो, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 लेकिन इसमें नहीं है वो, 101 की घात 1 लेकिन वो इसमें नहीं है, तो ये क्या आएगा इसका HCF क्या आ गया 2 × 2 = 4 HCF का मान क्या आ गया 4। अब इनका क्या ज्ञात करना है आपको LCM का। अब जब LCM ज्ञात करते हैं तो LCM दोनों ही जो आपको पूर्णांक दिए गए इनका एक साथ में ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना आपको 404 छोटी क्लास में आपने ज्ञात किया भी होगा, 2 का दिया और इसमें फिर 2 का दिया 101 इसमें और फिर 2 का जा रहा है 12 101 फिर 2 का जिसमें नहीं जा रहा वो ऐसा ऐसा ही लिखना है आपको 6 101 2 का दिया फिर 3 101 फिर 2 3 का दिया 1 सबसे पहले छोटी उससे बाद में उससे आने वाली संख्या 101 फिर 101 का दिया बेटा 1 और 1 ठीक है। तो क्या आ गया 96 और 404 का एलसीएम, देखो क्या लिखोगे 2 × 2 × 2
गुणा दो गुणा तीन गुणा 101। अब यहाँ पर इसको ये क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1 गुणा 101, ठीक है। अब यहाँ पर है 2 की घात 5 का मान है कितना आता है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, इसका मान कितना आया 32 गुणा 3 को 101 से गुणा कर दो 303। अब इसका आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ये 606 और 909 कितना आया 96। ये क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया, क्या आ गया बेटा एलसीएम। तो ये इसमें पहले सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF और LCM के लिए यहाँ पर देखो HCF में दोनों का अलग अलग याद करेंगे और जो कॉमन फैक्टर का उसको निकालेंगे, ठीक है। और LCM में दोनों का एक साथ याद करना है और एक साथ याद करने के साथ में इसका आपको क्या याद करना होगा। अब इनका आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको सत्यापित करना है कि LCM गुणा HCF बराबर होता है किसके, दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर, LCM गुणा HCF। तो इनका दोनों का HCF तो कितना आया 4 और LCM का मान कितना है 96, ठीक है। अब आगे देखो सत्यापित किस प्रकार से करना है आपको, लिखोगे LCM गुणा HCF बराबर है पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। LCM कितना है 96 गुणा HCF 4 बराबर पूर्णांक, पहला अब पूर्णांकों का गुणनफल है तो अपने पास पूर्णांक थे बेटा 2 96 और 404, तो लिखोगे पूर्णांकों का गुणनफल तो 96 गुणा 404, इसको गुणा कर दो 6 24 36 238 24 3 27 36 3 39 और इस तरफ भी क्या आएगा 9 39। ये सत्यापित हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग ही अपने को इसमें याद करना था। अब इसके 2-3 और दे रखे हैं वो भी आप खुद निकालना, सेम इसी प्रकार से करना है। तो इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले HCF निकालना है दोनों पूर्णांकों का, वो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी निकाल सकते हो, और LCM दोनों का एक साथ निकलेगा, LCM है दोनों का एक साथ निकलेगा, फिर आपको सत्यापित करना है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, इसके और पार्ट हैं वो आप करना। थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक हुए लघुतम है
समापवर्तक है ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया इसका 12, 15 और 21। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है इसका HCF। HCF का मतलब है महत्तम समापवर्तक। दूसरा ज्ञात करना है LCM, लघुतम है समापवर्तक। पांच छह पार्ट दे रखे बेटा, अगर एक समझ में आ गया तो आप सभी निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको LCM निकालो इसका LCM। अब यहां पर तीन पूर्णांक दे दिए, पिछले वाले क्वेश्चन में तो दो दो पूर्णांक थे। जब आपने पिछले वाले में LCM निकाला तब दोनों को साथ लिया, तो इस बार तीन दिए तो तीनों को साथ ले लो, चार दे तो चारों को साथ लेंगे। तो LCM निकालोगे तो क्या आया, सबसे पहले क्या है अपने पास देखो, इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं 12, 15, 21। सबसे छोटी संख्या का भाग दो, एक का तो सभी में जाता है, उसके बाद में दो आती है, दो का 12 में जा रहा है 6 बार, 15 में नहीं जा रहा है वैसा का वैसा रखेंगे, 21 में भी नहीं जा रहा है, फिर दो का और फिर जा रहा है 6 के अंदर, 3, 15, 21, फिर 3 का 1 और 5, 7, फिर 5 का 1, 1 और 7, फिर 7 का 1, 1, 1। तो क्या आया इनका LCM, LCM क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से 12, 12 को 5 से 60 और 60 को किस से करना है आपको 7 से 420, ठीक है। या फिर इधर से कर लो 35 को 3 से गुणा किया 105, 105 को 2 से 210 को 2 से 420। ये तो इनका क्या आ गया लघुतम है समापवर्तक, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है इनका महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हो तब आपको ध्यान रखना है सभी के अलग अलग टुकड़े करने, जैसे 12 था पहले, 12 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3, 3 × 6, 6 × 12 × 1, या फिर देखो इसका इस प्रकार से भी निकाल सकते हो 12, 6, 2 को दिया 3, 3 को दियो 1, 1 लिखो लिखो नहीं आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। यही तो है सेम, या फिर अलग अलग निकाल लो, तो फिर आगे कौन सी है 15 और 15 को क्या लिख दिया 3 × 5, 21, 3 × 7, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो आप 2 की घात 2 × 3 की घात 1, और इसको क्या लिख दिया आपने 3 की घात 1 × 5 की घात 1, और ये क्या आ गया 3 की घात 1 × 7 की घात 1। अब आपको तो इन तीनों का क्या निकालना है HCF, HCF क्या निकालना है HCF, HCF में देखते हैं सभी के अंदर तीनों के अंदर समान कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ कौन सा पूर्णांक अपने पास, उभयनिष्ठ देखो 3 की घात 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो 3 की घात 1 गुणा, और चेक करते हैं 2 की घात 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं हो सकता 2, और इसमें भी नहीं है, 5 की घात इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 की घात इसमें इन दोनों में नहीं है, तो क्या आ गया केवल 3 की घात 1। 3 की घात 1 का मतलब क्या आया 3, तो इनका HCF का मान क्या हो गया 3 और LCM का मान कितना हो गया 420। तो इसमें इसी प्रकार से आपको जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो करने हैं, 6 पार्ट दिए 5 आप खुद घर पर बैठ के आराम से निकालोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। बाकी इसके जो 3 पार्ट मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बताए उनमें बताए हैं, यहाँ पर बताए, उनके अलावा जो पार्ट दिए हैं वो आप घर पर करने का प्रयास करना। थैंक यू।